क्या आप भी रोज की रोटियों के लिए किचन में घंटों समय बिताते हैं? उसके बाद भी रोटी या तो जल जाती है या फिर कच्ची रह जाती है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो सोचिए अगर एक छोटा सा डिवाइस जो आपके लिए एकदम परफेक्ट गोल और सॉफ्ट रोटियां बना दे तो कितना अच्छा होगा ना। आपने रोटी मेकर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपके लिए यह परफेक्ट रोटी बनाने का सपना पूरा कर सकता है? क्योंकि रोटी मेकर्स के साथ दिक्कत यह है कि बहुत कम ही अच्छे मॉडल है, ज्यादातर बेकार ही मॉडल है, जैसा कि आपने अमेजन और फ्लिपकार्ट पर देखा ही होगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं रंजीत आपके लिए लेकर के आया हूँ टॉप 4 बेस्ट रोटी मेकर्स, और यह रोटी मेकर्स आपकी रोटियों से जुड़ी सारी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देंगे और आप बिना किसी झंझट के एकदम परफेक्ट रोटियां बना पाएंगे। और एक बात, कई लोग कहते हैं कि रोटी मेकर्स में रोटियां अच्छी नहीं बन पाती, रोटी मेकर्स अच्छे नहीं होते, इनमें रोटियां जल जाती है, रोटियां फूलती नहीं, और कई सारी ऐसी बातें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, रोटी मेकर्स में भी अच्छी रोटियां पकती हैं और यह आपके रोटियों को बेलने का मेहनत और टाइम को भी बचाता है। लेकिन अगर आप इसके डो में आटे और पानी का रेशियो को सही नहीं रखेंगे, या आपको डो अच्छे से रेडी करने नहीं आता है, या आपको रोटियां सेकने नहीं आती, तब आप अपने रोटी को अपने घर के तवे पर ही बनाएं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको तवे पर रोटी बनाने आती है तभी आप रोटी मेकर्स को खरीदिएगा, नहीं तो आपको रोटी मेकर लेने का कोई फायदा नहीं होगा, इसमें भी आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। और अगर आपका डो एकदम परफेक्ट है और आप रोटी मेकर्स का भी सही से यूज कर रहे हैं और फिर भी आपकी रोटियां अच्छी नहीं पकती हैं, तब इसका मतलब आपके रोटी मेकर्स में ही कोई डिफेक्ट है, या तो वो खराब हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना प्रोडक्ट रिप्लेस कराना चाहिए या फिर वारंटी को क्लेम करना चाहिए। और अगर आपका वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है, तब आप अपने किसी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग शॉप से अपने रोटी मेकर्स को रिपेयर करा लें, या फिर किसी नए रोटी मेकर्स की तरफ जाएं। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने लिए बेस्ट रोटी मेकर चूज करते समय आपको कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहला, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसकी बॉडी किसी अच्छे एलॉय या मेटल की बनी होनी चाहिए जो कि समय के साथ ऑक्सीडाइज होकर खराब ना हो। इसके ज्वाइंट्स और हैंडल अच्छी क्वालिटी के मटेरियल के बने होने चाहिए जो कि ज्यादा दबाव और टेम्परेचर को आसानी से झेल पाए, नहीं तो ये हैंडल जल्दी खराब हो जाते हैं। दूसरा, इसकी प्लेट का साइज। इसकी प्लेट का डायमीटर कम से कम 8 इंच होनी ही चाहिए जिससे आप बड़े से लेकर छोटी रोटियां आसानी से पका सकें। तीसरा, इसकी पावर कंजप्शन 750 वाट से लेकर के 1000 वाट तक कम से कम रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी जितना ज्यादा पावर कंजप्शन होगी यह उतना ही तेज गर्म होगा और इसके तावे पर हीट इवेनली स्प्रेड होगा जिससे आपका रोटी हर जगह से सही से पकेगा। चौथा, इसके अंदर यूज हुई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे कि पावर केबल, हीटिंग एलिमेंट और थर्मोस्टेट भी अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर रोटी मेकर्स में इसकी खराबी इसके अंदर लगी थर्मोस्टेट में ही होती है जिसके वजह से यह टेम्परेचर को गलत सेंस करता है और तवा ओवरहीट होने लगता है, और कभी कभी तो यह हीट ही नहीं होता है जिसके वजह से आपकी रोटियां सही से नहीं पक पाती हैं। और पांचवा, इसमें ऑटो कटऑफ फीचर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फीचर हीटिंग एलिमेंट को ओवरहीट होने से रोकेगा जिससे कि आपका हीटिंग एलिमेंट जलने से बच जाएगा और आपका तवा भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर से आगे नहीं बढ़ेगा। और साथ ही साथ इसमें हीटिंग इंडिकेटर का भी होना जरूरी है जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि हमारा रोटी मेकर हमारे डिजायर्ड टेम्परेचर तक गर्म हुआ है या फिर नहीं। और छठा और सबसे जरूरी बात, इसमें किस तरीके का नॉन स्टिक कोटिंग की गई है। जैसे कि एक आता है टेफ्लॉन कोटिंग जो कि बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि यह कोटिंग टेफ्लॉन प्लास्टिक की जाती है जो कि एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह 250 डिग्री से ऊपर के हीट को झेल नहीं पाता है और धीरे धीरे टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करने लगता है जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और हाई टेम्परेचर पर इसकी कोटिंग सॉफ्ट होने की वजह से इसकी पीलिंग भी होने लगती है और धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद इसकी कोटिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इसके बाद आता है सिरामिक कोटिंग जिसमें हाई टेम्परेचर के बावजूद भी इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता है, यानी यह अच्छा खासा टेम्परेचर को एकदम आसानी से झेल लेता है, पर इसमें कुछ समय बाद यूज करते करते स्क्रैच भी आ जाता है और झटके लगने और गिरने पर इसमें क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। अगला और सबसे अच्छा कोटिंग होता है ग्रेनाइट नॉन स्टिक थर्मल कोटिंग जो कि इन सब में से सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ग्रेनाइट नॉन स्टिक ही चूज करें। तो दोस्त, ये थे कुछ पॉइंट जिनको कि आपको एक रोटी मेकर्स खरीदने से पहले जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्त, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत सारी रिसर्च, समय और पैसे लगते हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है ताकि आप तक हमेशा सही जानकारी पहुंचे। इसीलिए दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे इसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम जैसे नए कंटेंट क्रिएटर को जरूर सपोर्ट करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। सब्सक्राइब करने से दोस्त हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन जरूर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज और, इन सभी रोटी मेकर्स में आप रोटियों के अलावा कई और डो या घोल वाले चीजें जैसे कि आमलेट, पराठा, डोसा बना सकते हैं।
तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथे नंबर के रोटी मेकर से, जो कि प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला रोटी मेकर है। प्रेस्टीज के इस रोटी मेकर में 900 वाट की ड्यूअल साइड हीटिंग कर्व प्लेट दी गई है, जिसका डायमीटर 8 इंच का है। इसके सरफेस पर ग्रेनाइट का नॉन स्टिक कोटिंग किया है, जो कि इसे और बेहतरीन बनाता है। इसमें रोटी के अलावा हम जो तवे पर बना सकते हैं वो सब बना सकते हैं, जैसे कि पराठा, आमलेट और भी बहुत कुछ। और इसकी बॉडी रस्ट प्रूफ और ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, और इसका हैंडल बेकलाइट से बना हुआ है, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होने के कारण हीट और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसके इस्तेमाल से इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर गर्म तवे से हाथ जलने का खतरा नहीं रहता है। इस रोटी मेकर में आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको ऑटो कट ऑफ फीचर, हीट इंडिकेटर लाइट्स और मैनुअल एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी मिल जाता है, जिसे कि आप अपने तवे के टेम्परेचर को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अमेज़न पर यह प्रेस्टीज का रोटी मेकर करेंटली आपको 2500 के आसपास में देखने को मिलेगा। तो 2500 में यह ठीक ठाक रोटी मेकर है, लेकिन इसके बिल्ड क्वालिटी को लेकर के बहुत लोगों का शिकायत रहता है। तो चलिए अब हम तीसरे नंबर के रोटी मेकर के बारे में बात करते हैं, जो कि बजाज की तरफ से आने वाला रोटी मेकर है। बजाज के इस मल्टीपर्पस रोटी मेकर में आप रोटी, पराठा, ऑमलेट, खाखरा के अलावा और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। यह रोटी मेकर भी आपका 900 वाट की ड्यूअल साइड कर्व्ड हीटिंग प्लेट के साथ आता है। इसका भी डायमीटर 8 इंच का बड़ा है, और इसमें भी ग्रेनाइट का नॉन स्टिक कोटिंग सरफेस पर दी गई है। इसकी बॉडी भी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, और हैंडल आपका बेकलाइट का बना हुआ मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको ऑटो कट ऑफ फीचर और इंडिकेटर लाइट भी मिल जाता है, जिससे ओवरहीटिंग का खतरा भी नहीं रहता है। 1 साल की वारंटी के साथ आने वाला यह रोटी मेकर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स भी देता है, जो कि पहले से इससे डिजायरेबल टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है। अमेज़न पर यह बजाज का रोटी मेकर आपको लगभग 2500 के आसपास में मिल जाएगा। तो यह एक अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाला रोटी मेकर है, और एक रिप्यूटेड ब्रांड की तरफ से आता है, तो आप इस रोटी मेकर को बिल्कुल खरीद सकते हैं। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद अब मुझे गाली मत दीजिएगा। जब आप एक रोटी मेकर खरीदेंगे और उसमें अच्छी रोटी नहीं बनेगी, तब मेरा बात मानिए, अभी रोटी मेकर में एकदम 100% परफेक्ट रोटी बना पाएंगे। लेकिन रोटी मेकर्स खरीदने के बाद आप ध्यान से YouTube पर 1 या फिर 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि रोटी मेकर्स में रोटी कैसे बनाते हैं। अगर आपने एक रोटी मेकर खरीद लिया और रोटी बनाने का वीडियो YouTube पर नहीं देखते हैं, तो मेरा बात मानिए, आप पहली बार में रोटी मेकर में बढ़िया रोटी नहीं बना पाएंगे, एकदम घटिया क्वालिटी का रोटी बनेगा। और फिर आप भी दूसरे लोगों की तरह अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर के लिखेंगे कि रोटी मेकर बेकार है, काम नहीं करता है, फालतू प्रोडक्ट है। इसीलिए रोटी मेकर खरीदने के बाद कैसे रोटी बनाते हैं YouTube पर देखना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर के रोटी मेकर के बारे में, जो कि इंडियन ब्रांड की तरफ से ही आता है, एनम का मल्टीपर्पस रोटी मेकर। एनम के मल्टीपर्पस रोटी मेकर में भी रोटी, पराठा, ऑमलेट, थापलास, डोसा और बहुत कुछ बना सकते हैं। यह रोटी मेकर 950 वाट के साथ आता है, यानी दूसरों से थोड़ा ज्यादा वाट मिलता है इसमें। साथ ही यह ड्यूअल साइड कर्व्ड हीटिंग प्लेट के साथ आता है, जो कि दूसरे रोटी मेकर के मुकाबले अंदर साइड में थोड़ा गड्ढा टाइप का बना हुआ है, जिसे कि रोटी के अलावा और दूसरे लिक्विड आइटम जैसे कि डोसा, चिल्ला, खाखराज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके प्लेट का डायमीटर भी 8 इंच का है, और इसमें भी आपको ग्रेनाइट का नॉन स्टिक कोटिंग से कवर किया हुआ है। प्लस इसमें भी आपको स्टेनलेस स्टील का बॉडी मिलता है, और हैंडल आपका बेकलाइट का बना हुआ है। इसमें भी आपको ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल और ऑटो कट ऑफ फीचर के साथ हीट इंडिकेटर भी मिलता है। 1 ईयर वारंटी के साथ आने वाला यह रोटी मेकर भी आपको लगभग 2500 के आसपास में मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये भी काफी बढ़िया रोटी मेकर है। चलिए अब बात करते हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 रोटी मेकर के बारे में, जो कि एक इंडियन ब्रांड का ही रोटी मेकर है, वो है लिब्रा का मल्टीपर्पस इलेक्ट्रिक रोटी मेकर। लिब्रा का यह रोटी मेकर दोस्तों अमेज़न पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाला रोटी मेकर है, जो कि आपको 950 वाट के साथ आता है, जो कि एनएम रोटी मेकर की तरह ही आपको ज्यादा वाटेज प्रोवाइड करता है। यह भी ड्यूअल साइड कर्व हीटिंग प्लेट के साथ आता है, और जिसका डायमीटर 8.5 इंच है, जो कि थोड़ा बड़ा है दूसरे रोटी मेकर्स के मुकाबले। इसके प्लेट में भी गड्ढा टाइप का बनाया है, जिसकी वजह से आप लिक्विड आइटम जैसे कि डोसा, चिल्ला, खाखराज बना सकते हैं। और इसके अलावा इसमें भी आपको ग्रेनाइट का नॉन स्टिक कोटिंग मिलता है, साथ ही स्टेनलेस स्टील का बॉडी और बेकलाइट का हैंडल मिल जाता है। यह रोटी मेकर भी आपका ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटो कट ऑफ फीचर और इंडिकेटर लाइट के साथ मिलता है, जो कि इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाता है। साथ ही इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी भी मिलता है। लिब्रा का यह रोटी मेकर आपको अमेज़न पर लगभग 2300 के आसपास में मिल जाएगा। इसका वाटेज और तवे का साइज बाकी रोटी मेकर्स के मुकाबले सबसे अधिक है, इसलिए यह आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। तो दोस्त, जितने भी रोटी मेकर्स इस वीडियो में मैंने बताया, उन सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप अपने हिसाब से उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब समझ में आ गया होगा कि आप
आपको कौन सा रोटी मेकर खरीदना है, तो आप लिब्रा, एनएम और बजाज के रोटी मेकर्स में से किसी को भी ले सकते हैं। अगर आपने पहले से किसी रोटी मेकर्स का यूज किया है तो फिर आप प्रेस्टीज का रोटी मेकर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें कि आप मन मुताबिक तवे के टेम्परेचर को रख सकते हैं और आसानी से आप मन चाहे कोई सा भी आइटम बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। नमस्कार।